सर्दियों का मौसम हो, साग और मक्की की रोटी मिल जाए तो मज़ा दुगना हो जाता है सर्दियों का। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किरण। तो आज हम हिमाचली डिश लेके आए हैं, सरसों का साग। सरसों का साग बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे 1 किलो सरसों, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। एक छोटी सी पालक की गुच्छी इसी साग में ऐड कर ली है, जिसे बारीक बारीक काट लिया है। अब इस साग को हम 3 से 4 पानी में अच्छे से वॉश करेंगे। 3 बार हमने इसको ठंडे पानी में, खुले में वॉश किया है, और 1 से 2 बार गुनगुने पानी से इसको वॉश कर लिया है, ताकि इसमें ज़रा भी मिट्टी ना रहे। अब यह है 1/2 कटोरी चावल, और इसे अच्छे से हमने 1/2 घंटे के लिए धो के भिगो लिया है। अब हम अपने साग को करेंगे बॉयल। इसके लिए हम साग को करेंगे कुकर में ऐड। साग में ये देखिए, जो मोटा मोटा पार्ट होता है ना पीछे का, अगर वो सॉफ्ट हो तो आप उसे भी छिल के इसमें काट सकते हो, जिसे कि पंजाबी कहते हैं गंदलो वाला साग। इससे इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी आती है, और बहुत ही इसका फ्लेवर अच्छा आता है इसमें। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हम लोग यहाँ पे 2 कप पानी का ऐड करेंगे 1 किलो साग बनाने के लिए। अब इसमें थोड़ा 1/2 छोटी चम्मच मैंने नमक की डाल ली, 1/2 छोटी चम्मच इसमें हल्दी की डाल ली, और 1 चुटकी हींग डाल ली। अब इससे क्या होगा, हमारा एक तो हींग से डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है, और फ्लेवर भी और इन्हेंस होगा। अब जो भीगा हुआ चावल था 1/2 कटोरी, उसे भी ऐड कर लेंगे। मेन चीज़ है, हिमाचली अपने साग में चावल ऐड करते हैं। ये देखिए, अब देखिए लहसुन डाल लिया। अब यहाँ आप अदरक भी डाल सकते हो, हरी मिर्च भी डाल सकते हो, मतलब अपने हिसाब से मसाले भी डाल सकते हो, मतलब फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी इसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, साग ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, और इसकी क्वांटिटी भी आधी हो चुकी है। अब हम बाकी बचा हुआ साग भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने खुले बर्तन में साग को बनाना है, तो इसको खुले बर्तन में बनाने से एक तो आप अच्छे से कड़छी चला सकोगे, और दूसरा साग जो है हमारा बहुत अच्छे से बनेगा। ये देखिए, अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, नमक, हल्दी, हींग, चावल और साग अच्छे से मिक्स हो गया, और हमने इसमें 3 सीटियाँ लगा ली, वो भी मीडियम फ्लेम में। 10 मिनट बाद कुकर को खोल के देखिए कैसा साग हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आप इसको अच्छे से कड़छी चला के, या फिर जो साग घोटना बोलते हैं ना, वैसे भी आप इसको कर सकते हो। ये क्वांटिटी इसकी और जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल सही है, तो आप इसको स्टेज पे भी तड़का लगा सकते हो, मगर मुझे पतला साग पसंद है, तो मैंने 1 मिनट के लिए ब्लेंडर चला लिया है, और ये बिल्कुल पतला हो गया है। तो ऐसे भी इसके टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी, ऐसे भी आप इसको बना सकते हो, ये बहुत ही अच्छा बनता है। जैसा आपका मन हो तो आप इसको कर सकते हो। अब हम प्याज तैयार कर लेंगे। बारीक बारीक हमने प्याज काट लिया, थोड़ा सा अदरक का पेस्ट ले लिया, और अब हम 2 चम्मच है 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ऑयल के। अब आप यहाँ पे जो है घी में भी तड़का लगा सकते हो, पर मुझे सरसों का तेल पसंद है, क्योंकि उससे फ्लेवर बहुत अच्छे निखर के आते हैं सरसों के तेल से साग के। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप रात को साग बॉईल करते हो और सुबह तड़का लगाते हो, उस ठंडे साग का जो टेस्ट है वो बहुत ही निखर के आता है। और अब हमने थोड़ी सी मेथी, जीरा और 2 लाल मिर्चें यहाँ पर ऐड कर ली, थोड़ी सी अदरक का पेस्ट, और थोड़े से 1 बड़ा प्याज हमने जो बारीक बारीक काट रखा था ना, उसे ऐड कर लेंगे यहाँ पे, और हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। और आपने साग को मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है, मीडियम फ्लेम पे ही तड़का लगाना है। अब हमने 1 टीस्पून इसमें डाल लिया धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून हमने पहले ही हल्दी ऐड कर ली, थोड़ी सी हल्दी अभी भी ऐड कर ली, और अब डाल लेंगे हम यहाँ पे अपना साग धीरे धीरे। अब एक चीज़, हमने तो यहाँ पे थोड़ा गरम साग डाला है, अभी अभी फ्रेश बनाओ वीडियो के लिए, मगर आप लोग हमेशा जब भी साग बनाए तो रात को बनाए, और दोपहर तक या तो उसका तड़का लगाए तो वो ख़राब नहीं होता, और बहुत ही उसका स्वाद निखर के आता है। और दूसरा, आप बॉयल्ड साग को ना
एक हफ्ते तक भी फ्रिज में रख सकते हो, और इसको 3 से 4 दिन तक अगर आप तड़का लगा के भी रखोगे तो ये ख़राब नहीं होगा। अब कड़छी से चलाएंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो भी चीज़ें हमने डाली है ना, मसाले प्याज, खूब घुमा घुमा के इसको अच्छे से चला के हम इसका नमक टेस्ट कर लेंगे और फिर इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ हमने घर का बना हुआ गर्म मसाला डाल लिया 1 छोटी चम्मच। अब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा या कम डाल सकते हो। हमारा साग बिल्कुल तैयार है, हमने ज़्यादा देर नहीं चलाया, बस 5 मिनट पकने देना है। और अब हम इसको कर लेंगे सर्व। ये देखिए हमारा गर्मा गर्म टेस्टी हिमाचली साग बनके रेडी है। इसको हम मक्खन के साथ और थोड़ी सी मूली से गार्निश कर लेंगे तो इसका टेस्ट और भी निखर के आएगा। और ये बहुत ही हेल्दी डिश है और सर्दियों में ज़रूर खानी चाहिए, और हिमाचलियों का और पंजाबियों का तो प्रसिद्ध भोजन है ही, पर पूरे विश्व में इसे बहुत ही अच्छा भोजन माना गया है। तो अगर आपको मेरी डिश पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमने थोड़ा सा गुड़ के साथ और मक्की की रोटी के साथ इसको गार्निश किया है और सर्व किया है। तो आप लोग भी घर में बनाइए, खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।